तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल गुप्ता और आज हम अपने इस वाटर कूलर को बनाने वाले हैं एसी। तो मैं किस तरीके से इस वाटर कूलर को एसी बनाऊंगा ये भाई जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा देने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वाटर कूलर का अंतिम दिन नजदीक आ गया है क्योंकि हमको भाई ठंडे पानी की नहीं ठंडे हवा की जरूरत है और आज हम इस मटके का यूज करके भाई एसी बना देंगे। ऐसा एसी बनाएंगे जो बिजली भी ना के मात्रा में लेता है, बनाने में भी जो खर्चा आता है वो भी बहुत ही कम आता है और भाई आसानी से बन भी जाता है और ठंडा ठंडा हवा भी देता है। तो बस देखते रहो क्योंकि पूरा का पूरा जुगाड़ का मामला होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इस मटके में से ये जो पानी ठंडा करने वाला सिस्टम है उसे भाई बाहर निकालना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वाटर कूलर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग भाई देख कि मैंने ये किस तरीके से पूरा का पूरा पानी ठंडा करने वाला सिस्टम बनाया था और भाई कितना ज्यादा पानी ठंडा होता है इसके अंदर, क्योंकि भाई मटके का सवाल है और मटका जानते हो भाई पानी ठंडा करने का कुदरती रूप है। और उसके ऊपर से हमने इस मटके के ऊपर पेल्टियर मॉड्यूल लगा दिया था तब तो भाई पानी एकदम जल्दी जल्दी और कितना तेज ठंडा हो रहा था। ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई हमने सारा सिस्टम हटा दिया है, सिर्फ नीचे एक हीट सिंक बच गया है और इस हीट सिंक को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि निकाल देंगे तो वहां गड्ढा हो जाएगा। और अभी भाई मैंने सब कुछ साफ सुथरा कर लिया है, जो भी हीट सिंक जो पेस्ट लगा हुआ था वो सब साफ हो चुका है। अब हमारा मटका तैयार है भाई एसी बनने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो नीचे हीट सिंक है उसकी वजह से ये जो हमारा मटका है वो भाई ज्यादा डगबग डगबग नहीं करेगा, बीच में एकदम भाई खड़ा रहेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नल छूट गया है तो इसको भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर निकाल देंगे तो वहाँ एक छोटा सा छेद हो जाएगा और ये नल अगर यहाँ पर रहेगा तो ये हमारे एक काम भी आएगा। तो वो जो काम होगा वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, तो बस देखते रहो। तो अब फ्रेंड्स, हमें इस मटके में बड़ा सा होल करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से हवा बाहर निकल सके, क्योंकि एसी के अंदर से भाई ठंडा ठंडा हवा बाहर निकलता है और इसको एसी बनाना है इस मटके को तो इसके अंदर से भी हवा बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम मटके के अंदर एक बड़ा सा होल करेंगे ताकि वहां से हवा बाहर आता रहे। तो आप लोग देख सकते हो हमने निशान बना लिया है और भाई ये जो निशान है वो मैंने 15 सेंटीमीटर का लगभग में बनाया है। तो केवल निशान बना देने से काम नहीं हो जाएगा, हमें इस मटके को काटना भी पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो हमारा ड्रिल मशीन है वो काम में आएगा और उसके ऊपर मैंने एक टूल बनाया हुआ है वो भी काम में आएगा। तो चलिए भाई इसको धीरे धीरे हम लोग काटते हैं और आप लोगों को ये जो ड्रिल मशीन है और ये जो आगे वाला टूल है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चिंता मत करो यार, ढूंढना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बस देख लो किस तरीके से मैंने ये ड्रिल मशीन बनाया है। और भाई मटके को काटना बहुत ही ज्यादा मेहनत भरा होता है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा मटका फूट जाएगा और पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एकदम हम लोग आराम आराम से इस मटके को काटेंगे क्योंकि भाई फूटना नहीं चाहिए, फूट जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और हाँ भाई, मैं एसी बनाने के लिए पुराने मटके का यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नया मटका भी खरीद के यूज कर सकते हो, चाहे घर में जो भी पुराना मटका भी पड़ा हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो आप सब लोग देख सकते हो हमने इस मटके का आगे वाला हिस्सा काट के हटा दिया है और भाई एकदम मस्त बराबर कटा है, आप लोग देख सकते हो। ये सब कमाल है हमारी स्ट्रील मशीन का, अगर हाथों से काटोगे तो काटते रह जाओगे जिंदगी भर। तो चलिए अब थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक सेंड पेपर ले लेंगे और इस सेंड पेपर की मदद से हम लोग अपने मटके का जो आगे वाला हिस्सा है जिसे हमने काट के हटाया है भाई उसको थोड़ा घिस देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो नुकीला रहता है और उसकी वजह से हमारे हाथ में लग सकता है, इसीलिए हम लोग इसे घिस देंगे। तो आप सब लोग देख सकते हो हमारा ये जो मटका है वो हवा को बाहर निकालने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रेंड्स हवा इसके अंदर आना भी चाहिए तभी तो हवा बाहर फेंकेगा। तो हवा इसके अंदर ये हमारा जो कूलिंग फैन है वो भाई भेजेगा और ये जो हमारा फैन है भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बहुत ही तेज हवा फेंकता है और 12 वोल्ट में चलता है। भाई मैं सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा किस तरीके से हवा फेंक रहा है, कितना तेज फेंक रहा है। और इसीलिए ये हमारे एसी के लिए सबसे बेस्ट कूलिंग फैन है भाई, बहुत ही तेज चलेगा तभी तो हवा जबरदस्त फेंकेगा, इसीलिए हम इसी का यूज करेंगे। और इसको हम लोग फ्रेंड्स अपना जो मटका है उसके ऊपर इस तरीके से फिट कर देंगे। और फ्रेंड्स अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो हमारा फैन है वो हमारे इस मटके का जो मुंह है उसके बराबर एकदम अच्छे से फिट हो जा रहा है, तो हमें चिपकाने में ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, हम मस्त अपना ग्लू गन से चिपका देंगे। तो इस कूलिंग फैन को हम चारों तरफ से ग्लू गन से चिपका देंगे इस मटके के ऊपर। और भाई यहाँ पर हम लोग एमसील का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई एमसील लगाने के बाद देखने में अच्छा नहीं लगेगा, काला काला भद्दा सा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ग्लू गन है वो टेम्परेरी इलाज है, क्योंकि अगर आप लोग पंखा को अगर ऊपर से पकड़ के खींचोगे तो मटका नीचे छूट जाएगा और पंखा ऊपर निकल जाएगा, लेकिन एमसील लगाओगे तो भाई एकदम
परमानेंट जुगाड़ हो जाएगा वो। तो आप लोग देख सकते हो हमारा टेम्परेरी जुगाड़ तैयार हो चुका है, मतलब हमने भाई इस पंखे को चिपका दिया है। और ये जो ब्लू कलर का जो वायर है फ्रेंड्स वो एक्स्ट्रा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो हमने उसको भी चिपका दिया है कि भाई तुम स्थिर पड़े रहो वहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ले लेंगे फीमेल डीसी कनेक्टर, जिसकी मदद से भाई हम लोग अपने ये पंखा को चलाएंगे। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने कनेक्शन कर दिया है, प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर गलत कनेक्शन करोगे तो ये जो फैन है वो भाई बंद हो जाता है हमेशा के लिए, दोबारा फिर चलता ही नहीं है। इसलिए सोच समझ के भाई कनेक्शन करना, आँख कान नाक खोल के। तो फ्रेंड्स आप सब लोग देख सकते हो हमने इस कनेक्टर को भी इस फैन के ऊपर चिपका दिया है, और साथ ही साथ हमारा एसी बनके तैयार भी हो गया है। लेकिन भाई आप लोग सोच रहे हो कि कुछ है ही नहीं भाई, एकदम सिंपल, ठंडा हवा कैसे देगा, बस देखते रहो भाई ठंडा हवा भी देगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इस जुगाड़ू एसी को चला के दिखा देता हूँ कि इसका जो हवा का स्पीड है वो कितना तेज है। तो इसको मैं चलाने के लिए 12 वोल्ट का जो एडेप्टर आता है उसका यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो भाई मैंने कनेक्ट कर दिया है और हमारा फैन चालू हो चुका है, और ये कागज का टुकड़ा मस्त होले होले धीरे धीरे डोले, मतलब आराम आराम से धीरे धीरे हमारे इस एसी में से हवा आ रहा है भाई, एकदम तेज भी नहीं है और ना ही कम है, आराम से भाई महसूस होता है। और ये जो कागज है वो हिल हिल के कितना हिलेगा भाई, सामने से काफी अच्छे से महसूस होता है हवा का स्पीड। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक समस्या आती है, ये तो केवल हवा फेंक रहा है ठंडा नहीं, तो भाई ये ठंडा हवा कैसे फेंकेगा? तो उसके लिए चाहिए हमें बर्फ और बर्फ और बर्फ। तो आप लोग देख सकते हो हमने फ्रिज का सारा बर्फ उठा लाया है, और ये सभी बर्फ हम इस मटके के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद तो भाई ये पंखा चालू कर देंगे। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो यार, ठंडा ठंडा हवा आएगा ही आएगा। और फ्रेंड्स मटके के अंदर जो हमारा बर्फ है वो आधा एक घंटे तक भाई पिघलेगा नहीं, और जब पिघल भी जाएगा तो वो जो पानी होगा वो भी ठंडा रहेगा, और उसके बाद भी हमको ठंडा ठंडा हवा मिलता रहेगा, क्योंकि भाई पानी ठंडा है तो जो हवा होगा वो पानी से टकराएगा और हवा भी ठंडा हो जाएगा। और आप लोग जानते ही हो ये जो मटके होते हैं वो पानी को भाई धीरे धीरे ठंडा करते रहते हैं, तो उसी की वजह से भाई ये जो हमारा बर्फ है वो जल्दी पिघलेगा नहीं और घंटों हमको ठंडा ठंडा हवा मिलता रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई हमने बर्फ डाल दिया है, तो अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, अब हम इसे जल्दी से चालू करना चाहते हैं और भाई ठंडा ठंडा हवा खाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्मी में इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो हमारा फैन चालू हो चुका है और इधर से भाई ठंडा ठंडा हवा बाहर आना चालू भी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस जुगाड़ वाले एसी में से कितना ज्यादा ठंडा हवा आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर मीटर को हम लोग अपने इस एसी के बड़े से मुंह के आगे लगाते हैं और देखते हैं कितना ठंडा हवा बाहर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो भाई धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर है वो तो नीचे गिर रहा है, लेकिन कितना नीचे गिरेगा? तो आप लोग देख सकते हो भाई 22 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गया है, यानी भाई इतना ही ठंडा हवा बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा हमको ठंडा महसूस हो रहा होगा। जब भाई एकदम गर्मी में 1-2 डिग्री टेम्परेचर अगर कम मिलता है तो यार एकदम ठंडा ठंडा लगने लगता है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस भाई कम जा रहा है। तो भाई एकदम एसी का काम कर रहा है, और ये जो हमारा जुगाड़ वाला एसी है भाई काफी देर से चल रहा है, और इसके अंदर जो बर्फ है वो एकदम सही सलामत है भाई, ज्यादा पिघला नहीं है। और जो पिघल गया है उसको फ्रेंड्स हम लोग अपने इस नल से बाहर निकाल सकते हैं, यानी जो पानी है उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और काफी देर तक चलने की वजह से ये जो पूरा रूम है वो मुझे एकदम ठंडा ठंडा महसूस होने लगा है, क्योंकि ये जुगाड़ वाला एसी इस पूरे रूम को धीरे धीरे ठंडा कर रहा है। तो कैसा लगा आप सबको ये हमारा सस्ता जुगाड़ मटके में बना हुआ एसी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।